नमस्कार दर्शकों, दर्शकों बात करेंगे आज हम एक विशेष उपाय पर। यह विशेष उपाय उन लोगों के लिए है जिनके कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं हो रही, जो लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं पर किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है, अपना कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं थोड़ा टाइम तक वो काम उनको लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट दे रहा है, परंतु कुछ समय के बाद वही कार्य बिल्कुल डाउन स्थिति में आ जाता है और जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने की होती है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, हम फिर से जीरो पर आ जाते हैं। ये कार्य, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो लोग काफी समय से अपने स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ापन, थकावट, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं घेरी रहती हैं, कोई भी दवाई उन पर इफेक्ट नहीं करती पूरी तरह से, किसी चीज को यदि वो करना चाहते हैं तो उसमें बाधा आती है। मित्रों, एक ही उपाय है, बिल्कुल आसान उपाय है। आपको ये उपाय प्रत्येक रविवार वाले दिन यानी कि संडे को करना है और संडे को हर व्यक्ति को छुट्टी होती है, बड़े आराम से ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय संडे को शाम के समय 4 बजे के बाद आपको करना चाहिए। आपको अवश्य ही इससे लाभ होगा। पुराने से पुराना जो भी आपका कष्ट है उसका निवारण करने के लिए ये उपाय अति उत्तम उपाय है। हमने ये उपाय बहुत लोगों पर आजमाया है, उन्हें इफेक्ट आया है, उनको लाभ हुआ है, तभी हमने इसे YouTube पर आपके समक्ष रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ ले पाए। आपको करना क्या है, रविवार वाले दिन शाम को 4 बजे, इससे पहले आप सुबह से ही काले चने 400 ग्राम भिगो करके रख लें, शाम को 4 बजे के करीब इनको उबाल करके सॉफ्ट कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसके अंदर 200 ग्राम शक्कर, जी हां, गुड़ वाली जो शक्कर होती है, वो वाइट चीनी नहीं, गुड़ वाली शक्कर, वो मिलानी है। मिला करके आपने एक पत्तों का दोना बनाना है, चाहे पीपल, बड़ या अन्य किसी भी तरह की आप एक पत्तों की प्लेट बना लें, या मार्केट से बनी बनाई जो पत्तों की प्लेट्स आती हैं जिनको पत्तल भी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो आप लेकर के आए। उस पर आपने चांदी का वर्क लगाना है। उस प्लेट पर अच्छे से चांदी का वर्क लगाने के बाद आपको थोड़ा सा सरसों का तेल उस चांदी के वर्क पर ड्रॉप, 3-4 ड्रॉप आप लगा दें और उसको हल्के हाथों से आप फैला दें। अब जो चने आप शक्कर डालकर तैयार किए हैं उन चनों को आप मुट्ठियां भर भर के, अपनी एक मुट्ठी भरें, भरने के बाद आप अपने सर से उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, 7 बार घुमा करके उस प्लेट में छोड़ दें। फिर दूसरे हाथ से यही प्रक्रिया करें और एंटी क्लॉक उसे घुमा करके आपने प्लेट में डाल देना है, और ऐसी करते हुए आपने 7 बार ये प्रक्रिया दोहरानी है। जितना भी चने हो बाकी के वो भी उसी में डाल दें, जितना 7 मुट्ठियों में आ जाए वो वार लेना है, उसके बाद नहीं वारने हैं, जो बचा हुआ भी उसी में डाल देना है। डालने के बाद उसे तुरंत किसी कपड़े से ढक लें या किसी पत्तल से ढक लें। ढक करके आपको अपने घर से दूर उसे लेकर के जाना है। जाना कहाँ है, इसके लिए आपको इसे चुनना होगा कि आपको कहाँ लेकर के जाना है। आप ऐसी जगह पर ले जाएं जो जगह खुले में हो, शहर से दूर हो, कच्ची जगह हो, कोई भी चौरस्ता आप ढूंढ लें, वहां पर जाकर के इसे रख दें। अगर आपको चौरस्ता नहीं मिल रहा तो किसी भी बड़े या पीपल के वृक्ष के नीचे रखें।
रख कर प्रार्थना करें कि मेरा दुर्भाग्य जो भी था मैं आज यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या थी, किसी का रोग का कोई परेशानी थी तो वो मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ जादू टोना नज़र दोष किया था वो भी मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, आज के बाद तुम मेरा पीछा मत करना। ऐसा कहते हुए, ऐसा संकल्प करते हुए आपने ये महा उपाय करना है। मित्रों, ये उपाय आपको लगातार 5 रविवार को दोहराना है। 5 रविवार सवा महीने में पड़ते हैं और सवा महीने में आप देखना 40 दिन के अंदर अंदर आपके काम में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होना शुरू हो जाएगा और जो भी दुर्भाग्य था, जो बार बार आप फेल हो रहे थे हर काम में, वहीं पर आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा उपाय है, करें, दूसरों को भी बताएं। जो भी व्यक्ति समस्या से ग्रसित है वो कर सकता है। इसके लिए कोई कुंडली की आवश्यकता नहीं है, कोई राशि की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रहों के चाल की आवश्यकता नहीं है देखने की। तो अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ये उपाय करने के बाद हमें इसका रिजल्ट जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों,